शांति 14 दिसंबर हम बाबा के पास आए हैं रिफ्रेश होने के लिए। बाबा के पास आते ही हमें ताकत आ जाती है और बाबा ज्ञान सुना सुना कर हमें रिफ्रेश कर देते हैं, विश्राम दे देते हैं। बाबा के पास आकर भी हम विश्राम पाते हैं और बाबा याद दिला रहे हैं सतयुग में तुम बहुत विश्राम में रहते हो, वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु ही नहीं है जिसके लिए मेहनत करनी पड़े, विश्राम ही विश्राम है। बाबा याद दिला रहे हैं भक्ति में तुम थक गए, बहुत धक्के खाए, कभी प्राप्ति हुई कभी नहीं हुई, कभी यहाँ गए कभी वहाँ गए, थकान हो गई। बाबा आकर तुम्हें भक्ति का फल देते हैं, ज्ञान सुनाते हैं और तुम्हें रिफ्रेश कर देते हैं। बाबा कह रहे हैं तुम मुझे पुकारते आए, पतित मनुष्य ही तो पुकारते थे उसको जो सदा पावन है, पावन देवताओं को नहीं पुकारेंगे, न देवता भगवान को पुकारेंगे, तुम पतित मनुष्य जो पवित्र हैं वो देवता हैं, तुम मुझे बुलाते आए, मैं तुम्हें आकर ज्ञान दे रहा हूँ, अपना सत्य परिचय दे रहा हूँ, तुम्हें शक्ति दे रहा हूँ, मेरे द्वारा तुम मेरे को जानो। बाबा कह रहे हैं तुमने वेद शास्त्र पढ़े लेकिन परमात्मा को नहीं जान पाए, इसलिए तुम्हें ताकत नहीं मिली, गिरते ही आए, थकते आए। बहुत ही गहरी बात है। लोग तो समझते हैं वेद शास्त्रों में बहुत ज्ञान है, लेकिन परमात्मा कौन है, मैं कौन हूँ, ये सृष्टि चक्र कैसे घूमता है, मनुष्य देवता कैसे बनता है, देवता मनुष्य कैसे बनते हैं, ये ज्ञान स्पष्ट नहीं है। थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं लिखा है तो क्लियर ना होने से बुद्धि योग परमपिता से रहा नहीं, भक्ति करते आए, यज्ञ हवन करते रहे, दान पुण्य करते रहे, मंदिर बनते रहे, थकते रहे, नीचे उतरते आए, तुम्हारी ताकत कम होती रही। अब बाबा याद दिला रहे हैं बच्चे देही अभिमानी बनो, सोल कॉन्शियस बनो तो तुम्हारे अंदर ताकत बढ़ती जाएगी, तुम गुप्त आत्मा हो। कितना गुप्त ज्ञान बाबा दे रहे हैं, गुप्त रूप से मुझ गुप्त बाप को याद करते हो तो तुम्हारी ताकत बहुत बढ़ जाती है। बाबा सावधान कर रहे हैं बच्चे देह अभिमान में नहीं आओ, देह अभिमान में आने से तुम्हारी ताकत नष्ट हो जाती है क्योंकि विकार आ जाते हैं, विकारों में जाने से सारी ताकत नष्ट हो जाती है। इसी के कारण राजा ही चली गई, इसी के कारण देवता पुनः मनुष्य बन गए। तो बाबा कह रहे हैं भक्त लोग कहते आए और आजकल तुम्हारे पास आने से लोग डरते हैं कि इनमें कोई जादू है, ये जादू कर देते हैं। ये बात बहुत प्रसिद्ध थी ब्रह्मा कुमारियों के लिए। बाबा आज खोल के ही कह रहे हैं तुम ही तो कहते थे भगवान को भगवान जादूगर है, लेकिन वो ऐसा जादूगर नहीं कि मनुष्य को जानवर बना दे, वो ऐसा जादूगर है जो मनुष्य को देवता बना देता है। तुम ही तो कहते थे मानुष से देवता किए करत न लागी वार, तो कोई मनुष्य मनुष्य को देवता नहीं बना सकता, कोई ज्ञानी कोई आचार्य कोई ऋषि मुनि तपस्वी योगी मनुष्य को देवता नहीं बना सकता है, केवल भगवान ही आकर मनुष्य को देवता बनाता है, तो बहुत बड़ी जादूगरी है ना। फिर देवता कैसे जन्म लेते, पुनर्जन्म लेते लेते मनुष्य बन जाते हैं, द्वापुर से रावण राज शुरू होता है, देह अभिमान आता है, पतित बनते हैं तो मनुष्य बन जाते हैं, ये भी किसी को पता नहीं। देखिए देवताओं की चर्चा भारत में बहुत है, ऊपर दिखाते हैं देवताओं को, स्वर्ग लोक कहीं ऊपर है, देवता अमर हैं, लेकिन कोई नहीं पूछता कि अमर हैं तो आज भी तो कहीं होंगे, होंगे तो उनसे कॉन्टेक्ट तो होना चाहिए। भक्ति पूजा पाठ करते रहते हैं, देवताओं की स्थापना करते रहते हैं, लेकिन कोई भी मनुष्य देवता नहीं बन पा रहा है। तो बाबा आकर हम सभी को मनुष्य से देवता बना देते हैं, ये बहुत बड़ी उसकी जादूगरी है। बाबा ड्रामा की बात हमें पुनः याद दिला रहे हैं और इसकी प्रैक्टिस हमें अपने जीवन में रोज ही करते रहना है। ड्रामा
5000 वर्ष का बना हुआ है। ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। ड्रामा में हर आत्मा को अपना पार्ट मिला हुआ है, हमें भी सुंदर पार्ट मिला हुआ है। ड्रामा के इस पट्टे पर हमें अचल अड़ोल होना है। तो बाबा रोज रोज बार बार हमें ड्रामा की स्मृति दिलाते रहते हैं। कहते हैं, मैंने तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है, उसके स्मरण में रहो तो तुम्हारी स्थिति अचल अड़ोल बन जाएगी। एक बहुत नशे की बात बाबा कह रहे हैं। तुम्हारे सामने लक्ष्मी नारायण का चित्र आता है, ये तुम्हारा भविष्य का एम ऑब्जेक्ट है, तो तुम्हें बहुत खुश रहना चाहिए, अपार खुशी में झूमना चाहिए। कोई ऐसा स्कूल कॉलेज नहीं जिसमें भविष्य का एम ऑब्जेक्ट दिखाया जाता हो। तुम्हारा सबसे बड़ा कॉलेज है, क्या बनते हो तुम? विश्व महाराजन, विश्व महारानी, मनुष्य देवता, श्रेष्ठ पद पाते हो। वहां तो जितने बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी होते हैं तो बैठने की व्यवस्था भी सुंदर होती है, तुम तो जमीन पर बैठे हो। बाबा कह रहे हैं, तपस्वी तो जमीन पर ही बैठते हैं, लेकिन तुम्हें खुशी में खग्गियां मारनी चाहिए। खग्गियां माना बहुत खुश होना चाहिए, उछलते रहना चाहिए। हम क्या से क्या बनने वाले हैं, बाबा उदाहरण दे रहे हैं। जैसे ब्रह्मा को बहुत खुशी रहती है, मैं क्या से क्या बनने वाला हूँ, तुम्हें भी बहुत खुशी रहनी चाहिए। इससे हमारा मन शांत होगा, व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। एक छोटी सी बात बहुत अच्छी कही बाबा ने, तुम्हें बाप ने साक्षात्कार कराया है श्री कृष्ण का जन्म कैसे होता है। पूरे घर में लाइट ही लाइट हो जाती है। वो तो कहते हैं, इस तालाब में मानसरोवर में नहाने से मनुष्य परी बन जाता है, पर ऐसा नहीं, तुम ज्ञान स्वरूप होकर परी बन जाते हो। वरदान में बाबा कह रहे हैं, ब्राह्मण जीवन में हर समय अपनी स्थिति को सुखमय बनाने वाले पवित्र आत्मा बनो। तो पवित्रता से हर पल हमारी स्थिति बहुत सुखमय हो जाती है। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति है। बहुत अच्छी बात कही। तो पवित्रता की शक्ति से अगर कहीं दुखमय वातावरण भी है तो वाइब्रेशंस देकर उसको सुखमय बना सकते हो। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि हमारी स्थिति हर पल सुखों से भरपूर रहती हो। स्लोगन में याद दिला रहे हैं कि जितने भी साधन हैं इन्हें यूज करके तपस्वी बनो और बेहद के वैरागी बनो। तो आज हम सारा दिन याद रखेंगे, पवित्रता सुख शांति की जननी है। बाबा की याद में हमें विश्राम मिल रहा है। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, पवित्रता का फरिश्ता हूँ, और मेरे अंग अंग से पवित्र वाइब्रेशंस चारों ओर फैल रहे हैं। ओम शांति। टू वॉच पीस ऑफ माइंड चैनल वीडियोस ऑन यूट्यूब, सब्सक्राइब अस ऑन youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.